नमस्कार, क्विक ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। क्या आप भी अपने Realme के फ़ोन में सिम सेटिंग करना चाहते हैं? क्या आप सीखना चाहते हैं कि Realme के किसी भी फ़ोन में सिम सेटिंग कैसे कर सकते हैं? तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए सीखने के लिए चलते हैं अपने मोबाइल पे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम अपने मोबाइल पर है। मोबाइल पे आने के बाद Realme के किसी भी फ़ोन में सिम सेटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में सेटिंग को ओपन करना है। तो चलिए सेटिंग को ओपन करते हैं। सेटिंग ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको एक सिम कार्ड एंड मोबाइल डाटा का ऑप्शन दिखेगा। अब आपको इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके फ़ोन में अगर दो सिम लगा होगा तो यहाँ पर आपको दो सिम दिखेगा। अगर आपका फ़ोन में एक सिम लगा होगा तो यहाँ पर आपके फ़ोन में एक सिम दिखाएगा। तो हमारे फ़ोन में अभी दो सिम लगा हुआ है, तो इसलिए हमारे फ़ोन में अभी दो सिम दिखा रहा है। तो अब आपको जिस भी सिम का सिम सेटिंग करना है, सबसे पहले आपको उस पर क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पर हमको सिम वन का सिम सेटिंग करना है, तो इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक इनेबल का ऑप्शन दिखेगा। अगर आप चाहते हैं कि हम बिना मोबाइल ऑफ किए हम अपने सिम को मोबाइल से बंद कर सके, तो यहाँ से आपका जो यहाँ पर इनेबल का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आप जैसे यहाँ से इसको क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आपका जो यहाँ पर सिम है वो बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी डिसेबल हो रहा है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो मेरा सिम है वहाँ यहाँ से अब एक बंद हो गया है। अगर आप फिर से इस सिम को इनेबल करना चाहते हैं तो फिर से आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा जो सिम है या फिर से यहाँ पर इनेबल हो गया है। अब आपको नीचे में एक सिम कार्ड नेम का ऑप्शन दिखता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप जैसी सिम कार्ड नेम पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके फ़ोन में यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में आपको सिम वन यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलता है। अगर आप इस सिम वन के जगह पर आप अपना नेम लिखना चाहते हैं या कोई भी चीज़ लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं और आपको पता रहेगा कि इस नाम से मेरा सिम वन है और उस नाम से मेरा सिम टू है। तो इसको आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम इसको कैंसिल करते हैं। अगर आपको यहाँ पर कोई भी चीज़ चेंज करना हो तो कर सकते हैं। अब आपको नीचे में एक सिम कार्ड नंबर मिलता है। अगर आप यहाँ पर अपने सिम कार्ड का आपका फ़ोन में जो भी सिम लगा हुआ है उसका आप नंबर इसमें सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पर नंबर डाल को आपको यहाँ से सेव कर लेना है। सेव करने के बाद अब आपको यहाँ पर डाटा रोमिंग का ऑप्शन मिलता है। अगर आप अपने स्टेट छोड़कर किसी दूसरे स्टेट में जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको डाटा रोमिंग यहाँ पे ऑन करना पड़ता है। तो यहाँ से आप डाटा रोमिंग ऑन करके आप अपना इंटरनेट चला सकते हैं। अगर दूसरे स्टेट में जाते हैं और यहाँ पर आप डाटा रोमिंग ऑन नहीं करते हैं तो वहाँ पर आपका जो नेट है वह काम नहीं करेगा, नहीं चलेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक बोल्ट LTE कॉल्स मिलता है। अगर आप यूज करना चाहते हैं तो इसको ऑन कर सकते हैं, नहीं तो इसको आप ऑफ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको यह ऑन करना ज़रूरी है। इसको आप डिसेबल नहीं कीजिएगा। उसके बाद आपको नीचे एक वाईफाई कॉलिंग का ऑप्शन मिलता है। अगर आप वाईफाई कॉलिंग करना चाहते हैं, आप यूज करते हैं, तो यहाँ से आप इसको ऑन कर देना है। ये सब सेटिंग डिफ़ॉल्ट में यहाँ पर ऑन रहता है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक प्रिफरेड नेटवर्क टाइप का ऑप्शन मिलता है। अब आपको इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको 2G, 3G, 4G का ऑप्शन मिलता है। तो अगर आपके एरिया में यहाँ पर 4G टावर कंटिन्यू रहता है तो यहाँ पर आपको ऑटो पे रखना है। अगर आप यहाँ पर ओनली पे रखते हैं 2G, 3G तो यहाँ पर आपका जो इंटरनेट है वह कम चलेगा, स्लो चलेगा और यहाँ पर स्पीड नहीं चलेगा। इसलिए आपको हमेशा यहाँ पर 2G, 3G और 4G पर यहाँ पर आपको सेलेक्ट करके रखना है, ऑटो पे रखना है, क्योंकि जब भी जिस भी टाइप का नेटवर्क मिलेगा यहाँ पर वह आपका फ़ोन ऑटोमेटिक वहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से बैक करते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपको एक एक्सेस पॉइंट नेम मिलता है, तो यह सेटिंग उतना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक कैरियर दिखेगा। तो यहाँ पर आप अपने फ़ोन में जिस भी कंपनी का सिम लगाए हुए हैं, इंसर्ट किए हुए हैं, उस कंपनी का यहाँ पर नेम दिखेगा। अब आपको चलिए यहाँ से हम बैक करते हैं। बैक करने के बाद यहाँ पर जो सिम टू का सेटिंग है, जिस तरह से सिम वन का सेटिंग बताया है उसी तरह से आपको सिम टू का भी सेटिंग कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे में एक मोबाइल डाटा का ऑप्शन मिलता है, तो आपको यहाँ पर मोबाइल डाटा पे क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे यहाँ से क्लिक कीजिएगा तो आपके जिस भी सिम से यहाँ पर आपका सेट होगा कि हम इस सिम से हम अपना नेट चलाएंगे, इंटरनेट यूज करेंगे, तो यहाँ पर वो ऑटोमेटिक यहाँ से आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑफ हो जाए ऑन हो जाएगा। अगर यहाँ से आप इसको ऑफ कर देते हैं तो यहाँ से आपके फ़ोन में इंटरनेट कनेक्शन ऑफ हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर नीचे में एक ऑप्शन मिलता है, यूज इंटरनेट ड्यूरिंग कॉल्स ऑन सेकेंडरी डाटा सिम। यानी कि तो यहाँ पर जो ये ऑप्शन दिया गया है, अगर आप किसी भी सिम से यहाँ पर आपके किसी भी सिम पे कॉल आया हुआ है और दूसरे सिम पर कोई भी कॉल नहीं आया हुआ है और उसमें आपका जो नेट है वो रिचार्ज है, तो इसको यहाँ से आप ऑन कर देते हैं तो आप बात करते समय आप दूसरे सिम से अपना नेट यूज कर सकते हैं।
क्योंकि कभी कभी किसी भी फ़ोन में होता है क्या कि आप जिस सिम पे कॉल आ जाता है उस सिम से इंटरनेट चलना बंद हो जाता है, तो आप इसको ऑन कर सकते हैं और दूसरे सिम से उस समय आप अपना इंटरनेट चला सकते हैं अगर आपके दोनों सिम में इंटरनेट का रिचार्ज है तो। उसके बाद यहाँ पर आपको एक नीचे में डिफ़ॉल्ट कार्ड सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पर कॉलिंग में यहाँ पर देख सकते हैं कि आप जिस भी सिम से हमेशा कॉल करना चाहते हैं उस सिम को आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमको इस सिम से कॉल करना है, और जब भी आप कॉल कीजिएगा तो उसी सिम से आपका कॉल लगेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो चलिए यहाँ पर कॉलिंग पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा सिम वन सेलेक्ट है। अगर यहाँ पर आप ऑलवेज एक्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप जब भी कॉल कीजिएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि आप किस सिम से कॉल करना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पर कोई भी सिम वन या सिम टू सेलेक्ट कर लेते हैं तो वहाँ पर आपसे नहीं पूछा जाएगा कि आप किस सिम से कॉल कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉल बैक मैसेज ऑन कॉल हिस्ट्री। तो चलिए अब यहाँ से हम बैक करते हैं। बैक करने के बाद अब आपको नीचे में एक मोबाइल डाटा का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पर आप जिस भी सिम कार्ड से अपना मोबाइल डाटा यूज करना चाहते हैं उस सेटिंग को करने के लिए आपको मोबाइल डाटा पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको दो सिम दिखाएगा। जब भी आपको जिस भी सिम से आपको इंटरनेट यूज करना हो यहाँ से आप हमेशा आकर चेंज करके अपना इंटरनेट यूज कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपको सिम वन से अभी इंटरनेट चलाना है, उसमें आपका इंटरनेट रिचार्ज है, तो यहाँ पर सिम वन पे सेलेक्ट करके यहाँ से इंटरनेट यूज कर लीजिएगा। उसके बाद फिर आपको जब सिम टू से चलाना हो तो यहाँ पर सिम टू पे क्लिक करके यहाँ से आप अपना इंटरनेट यूज कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको बारी बारी से आपको जिस भी सिम से नेट चलाना हो उसको यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे में एक और रोमिंग का ऑप्शन मिलता है, इतना वह जरूरी सेटिंग नहीं है। उसके बाद यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट सेटिंग था यहाँ से आपको बता दिए हैं। तो इस तरह से आप रियलमी के फ़ोन में सिम कार्ड से रिलेटेड यानी कि डबल सिम कार्ड सेटिंग कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।